राजधानी लखनऊ में चिता जलाने वाली लकड़ियों को अलाव के लिए इस्तेमाल कर रहा नगर निगम। सरकारी लकड़ियों को खुलेआम दोगुना दामों में बेच रहा नगर निगम, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बीते कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था, तब लखनऊ के शमशान घाटों पर कोरोना से मौत वाले समूह के अंतिम संस्कार के लिए अचानक से बढ़ गए थे। बैकुंठ धाम में शव जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई थी। बैकुंठ धाम पर लाशों की लंबी कतारें लगी थी। परिजन टोकन लेकर अपनों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार कर रहे थे। उस समय नगर निगम ने ट्रकों से हजारों कुंटल लकड़ियां बैकुंठ धाम पर मंगवाई थी और आज 8 महीने बाद उसी लकड़ियों का नगर निगम अलाव के नाम पर काला बाजारी कर रहा है। कहाँ गिर रही है? अब बहुत स्थान, करीब 90 स्थानों पे गिर रही है। 90 स्थानों में? हाँ, 90। और कहाँ से लकड़ी आ रही है? नगर निगम से। नगर निगम से? कहाँ पे लकड़ी का वो बनाया हुआ है? यही लगाया गया भैंसा कुंड के पास। भैंसा कुंड के पास? अच्छा, तो जरा लिस्ट दिखा दीजिए। ये तो हमारे पास थोड़ी है जो हम गिरा रहे, इतने स्थान हमारी गाड़ी से गिरते। देखिए, इसमें इनका सेपरेट बजट नहीं होता है। निगम द्वारा आपदा के अंतर्गत बजट का प्रावधान किया जाता है, उसके अंतर्गत 5 करोड़ जो आरक्षित है उसी में इस प्रकार की सभी, चाहे वो कोविड मैनेजमेंट हो, अलाव जलाने की व्यवस्था हो, रैन बसेरी, इन सभी की व्यवस्था की जाती है। अलाव के लिए जो लकड़ियाँ आ रही हैं सर, वो कहाँ से आ रही है? इसमें देखिए, जोनल स्तर पर उनका जो है प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है और कुछ हमारे पास पूर्व से जो लकड़ियाँ उपलब्ध थी उनका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। जी, वो वन निगम से जो लकड़ियाँ मंगाई गई थी उसमें से कुछ अभी लकड़ियाँ शेष हैं, उनका भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं।